हेलो स्टूडेंट, मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीपीआर स्टडी में। देखिए, हमने अभी तक पढ़ लिया था एक्सरसाइज 2.4 तक, लेकिन इसमें हम कुछ कंसेप्ट और भी रिवीजन कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, भाग वाला है ना, तो ये बहुत आसान होते हैं यार। जैसे सेकेंड नंबर देख लो, ये कह रहा कि 14 डिवाइड बाई 5/6। इसमें क्या होगा, 14 इंटू ये जो 5/6 है ना यार, ये भाग का चिन्ह हट करके ये पलट जाता है, तो ये 6/5 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो कर लोगे, अन्यथा इसे ऐसे रहने दोगे तो क्या करोगे, अब इसका गुणा कर लो। 14 छक्का कितना होता है, 6 चौका 24 का 4, हाँ सिलाया 2, 6 कम 6 2 8, 14 छंग 84 होता है, नीचे 5 है। ये इसका उत्तर हो गया 84/5। लेकिन अभी ये सही उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अभी विषम भिन्न आ रहा है ना, मतलब जिसे विषम भिन्न बोलते हैं, जिसका हर छोटा है अंश बड़ा है। इसे आप भाग करोगे मतलब आप समझ रहे हो। इसको करना क्या है यार, अंश में मतलब हर से भाग करना है, तो 84 में भाग कर लो 5 से। आप जानते हो कितनी बार जाएगा, 5 1 कम 5, ये जान लो लगभग 15 बार जाएगा ना। अगर 16 बार जाएगा तो 16 5 80, 16 बार जाएगा, यानी कि 16 सही 4/5 इसका आंसर आएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया 16 इंटू 4/5, ये इसका कम्प्लीटली फाइनल आंसर हो जाता है। समझ गए ना, आगे चलें। चलिए देखो, एक बात और समझ लो, कोई भी भिन्न को इस फॉर्म में नहीं छोड़ा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। जैसे अगर मान लो किसी भी भिन्न का या कोई भी सवाल अगर हम हल करते हैं, उसका उत्तर 5/2 आता है, तो हम ये उत्तर नहीं लिखेंगे, उत्तर गलत माना जाएगा। अगर इसका उत्तर 2/5 आता तब आप इसे उत्तर लिख सकते थे, इसमें कोई गलती नहीं थी। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इसका जो हर है दूसरी वाली भिन्न का, यानी कि 5 अंश जो है 5, ये बड़ा है, हर जो है ये क्या है, छोटा है। तो कभी भी अगर हर छोटा होता है तो इसे ऐसे नहीं छोड़ते, इसे भाग करके हम बदल लेते हैं किसमें, मतलब वो मिश्र संख्या में, यानी मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो ये 2 सही 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें अंश जो है वो छोटा, हर बड़ा है, तो ये उत्तर हो सकता है। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर उचित भिन्न बोलते हैं, और इसे विषम भिन्न बोलते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ गया है, इन दोनों में कौन बड़ा है। देखो कौन बड़ा है ये समझना है दशमलव में, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लेके बैठना। देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाए भैया 0.5 में और 0.05 में, इन दोनों में कौन बड़ा है, एक मैंने सर्कल किया है, एक मैंने वर्ग बनाया एक में, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखो एक बात आप सबसे पहले समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो जैसे अगर हम इन्हें अलग अलग कलर में लिखें तब आप देख लो, 0.5 है और ये है भैया 0.05। देखो आप जानते हो कोई भी संख्या जैसे जो 2 या 2 से अधिक अंक की है, जैसे मान लो हमने लिखा 10, तो इसमें 2 अंक होता है ना, एक होता है इकाई, एक होता है दहाई। तो सीधा ये समझ लो कि अगर वो संख्या जो भी लिखी गई है उसका इकाई अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर दहाई अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ी है। बस इतना आप जान लो, ठीक है। दशमलव के बाद वाली संख्या की तुलना करने को मैं बोल रहा हूँ, दशमलव भूल करके। जैसे देखो इसमें 2 संख्या है, इकाई अंक पर 5 है, बताओ है कि नहीं, इकाई अंक पर 5 है ना, और इसमें दहाई अंक पे क्या है, 0 है। भाई ऐसे गिनोगे ना, इकाई दहाई। इसमें देखो अगर इधर साइड देखो तो कुछ है ही नहीं, मतलब आप इसे अकेले ऐसे नहीं बोलोगे इकाई बस हो गया, इसमें दहाई नहीं है, ऐसी बात नहीं, दहाई है इसमें। आप इसके बाद एक 0 लगाओगे, लेकिन इसके पहले आप 0 नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जान लो यार, जिस भी संख्या का दशमलव के बाद हो या पहले हो, चाहे जैसे भी, अगर उसका बायां जो अंक है वो बड़ा है तो संख्या बड़ी है। इसका मतलब है 50 पैसा, भले ही यहाँ 0 नहीं लगा तब भी, इसका मतलब है 5 पैसा। तो आप ये जान लो 5 पैसा बड़ा है कि 50 पैसा, भैया कौन सा बड़ा है, 50 पैसा बड़ा है ना। इसको ऐसे भी हल करके देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो ये 0.5 है और ये है भैया 0.05, दोनों में अंतर समझो। दशमलव हटाओगे तो इसमें एक जीरो नीचे बढ़ेगा, मतलब 5/10 हो जाएगा। इसमें दशमलव अगर हटाओगे तो ये 5/ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 अंक पर दशमलव है ना, तो ये 5/100 हो जाएगा। मतलब समझो, आप ऐसे समझ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो 5 रुपया है भैया, इसमें 100 लोगों को बांटना है, नीचे जो गिनती है उसका मतलब बांटना है। इसमें 5 में सिर्फ 10 लोगों को बांटना है। अब बताओ कौन बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा मतलब बांटने के बाद सामग्री आएगी ना। अगर कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा आएगी, इसका मतलब 5/10 बड़ा है, 5/100 छोटा है। बस यही समझ लो, इस तरह से ये सबसे आसान तरीका है। यानी इन दोनों में 0.05 और 0.005 में जो भी है, इसमें ये पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। अगर इसे आपको कहीं तुलना करने को मिलेगा तो आप इसे ऐसे करोगे, ये 0.05 लिखा रहेगा, आप इधर को ऐसे लगा दोगे एरो, मतलब ये बड़ा है। ठीक है, अगला अगर देखें तो इसको आप खुद से बताओगे। ये है भैया 0.7 और ये है 0.5। इसमें अगर आप इसे दशमलव हटाओगे तो ये 7/10 बनेगा और 5/10 बनेगा। हाँ, इसको भी आसान कर सकते हो आप, 7/10 और 5/10। तो चलो यहाँ दशमलव हटाओगे इसमें से तो 7/10 बनेगा, इसमें से हटाओगे तो 5/10 बनेगा। मतलब ये समझ लो ऐसा कि 5 रुपये में 10 लोगों को बांटना है, इसमें 7 रुपये में 10 लोगों को बांटना है। तो भैया देखो लोग तो बराबर हैं, इसमें भी 10 ही हैं, इसमें भी 10 ही हैं, लेकिन यहाँ सामग्री ऊपर जो है ज़्यादा कम हो रही है। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा ना, मतलब भाई 7 रुपये में 10 लोग को बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगा, अगर 5 में 10 को बांटोगे तो कम मिलेगा। इसका मतलब ये बड़ा है, वैसे भी 7 बड़ी ये गिनती है ना। दशमलव अगर बराबर अंक पर है तो आप समझ लो। एक और कह रहा है 7 है और एक है 0.7। देखो इनमें दोनों में अंतर क्या है, ये भैया 7 रुपया है, ये 70 पैसा है। तो 7 रुपया और 70 पैसा में काफ़ी अंतर है, आप समझ सकते हो ऐसे भी, है ना। तो यही पूरी कहानी है इसमें, बाकी और जो भी आप कर लेना और सब, है ना, जितना भी ये कर लोगे ना पहले। अब इसमें छोटा बड़ा, अब दशमलव के बाद वाला भी एक आध बता देता हूँ। जैसे 1.37 है, 1.49 है। देखो 1.37 एंड 1.49 दोनों का मतलब समझो। 1.49 का मतलब ये है, आप इसे रुपया में समझो तो 1 रुपया 49 पैसा, इसे समझो तो 1 रुपया 37 पैसा। तो भैया 49 पैसा है, ये 37 पैसा है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। इधर वाला तो दोनों में बराबर है, रुपया वाला, पैसा वाला कम ज़्यादा है। इस तरह से आप इसमें सब कर लेना। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, दूसरे में आ जाओ। कह रहा कि दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों के रूप में व्यक्त कीजिए। रुपयों के रूप में व्यक्त कीजिए, 7 पैसा को रुपया में बदलो। देखो आ गई कहानी वही पुरानी वाली। पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना है, वो क्या है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। इसे दिमाग में बसा लो, कभी निकालना मत, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा और 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 1 पैसा में 1/100 रुपया और 1 रुपया में 100 पैसा। तो चलो अब इसको लेके हम चलते हैं। 70 पैसा है, इसे रुपया में बदलना है। तो भैया इसे ऐसे समझो, एक नियम वाला, 70 पैसा को रुपया में बदलना है। 70 नहीं है, 7 है। यहाँ पे लिखो, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, देयरफॉर वगैरह ऐसे कुछ लिखते हैं ना। हिंदी में चूँकि बोलते हैं, चूँकि एक नहीं, ऐसे लिखो, हाँ, 1 पैसा बराबर, चूँकि पैसा में दिया है ना, 1 पैसे बराबर या पैसा बराबर लिखो, 1/100 रुपया। इसलिए या फिर देयरफॉर 7 पैसे बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1/100। मतलब यही ऊपर वाले से इसमें गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 7/100। भाई गुणा करोगे तो 7/100 बनेगा ना, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताया है। तो ये कितना बन जाएगा, 7/100 बराबर, देखो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 0.07 बनेगा। ये कितना बनेगा, 0.07, है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा अगर बात करें 7 रुपया 7 पैसे, 7 रुपये और 7 पैसे, तो देखो ये भी आसान है काफ़ी। 7 रुपये 7 पैसे, रुपया में भी है, पैसा में भी है, इसे समझते चलो। 7 रुपये और 7 पैसे, भैया 7 रुपये 7 पैसे को क्या करना है, हमें बदलना है रुपया में। जो रुपया में पहले से है उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, जो 7 पैसा है इसी में टेंशन है। तो 7 पैसा को फिर वैसे करो, यहाँ पे लिखो, चूँकि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। देखो चल जा रहा है उल्टा पुल्टा, यार कापी में आपको बताएंगे ज़्यादा बेहतर होगा ना। ऐसे लिख लो, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। तो इसलिए 7 पैसा बराबर देखो आप सुन तो रहे हो ना, 7 पैसा बराबर 7 बटा 100 रुपया हो जाएगा। अरे भाई 7 गुणे 1 बटा 100 ना, तो बराबर 0.0 से बनाएगा। कितना आएगा? 0.0 से बनाएगा। तो भैया 0.0 से बने 7 पैसा हो गया, 7 रुपया जो है उसी में जोड़ दो, तो 7 रुपया मतलब 7.00 और ये हो जाएगा भैया 0.07, इसमें जोड़ दो तो इसका आंसर आएगा 7.07। क्या आएगा? 7.07 रुपया। तो ये आपका दूसरा वाला हो गया। इसी तरह से आप तीसरा वाला, चौथा वाला जो भी है सब कर लोगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच बताना कमेंट करके, ठीक है। इसी में कन्वर्जन का सारा कॉन्सेप्ट भी आपको बताना पड़ेगा। वैसे हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता, इसमें थोड़ा कम परफॉर्मेंस आपको मिल पा रहा होगा ना, उस तरह से नहीं मज़ा आएगी ना। तो वैसे मैं इस चैप्टर को पूरा कर दे रहा हूँ, इसके लिए आपको एक अलग से क्लास दिखा दूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। इसमें मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन का एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद करना होगा, तो अब आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलो अब इसके आगे मैं आपको कॉपी में करवाता हूँ, ठीक है। कॉपी और पेन लेके आ जाओ फटाफट जल्दी से, और हाँ इसको भी लिख लेना कॉपी में, इसके आगे आप कॉपी में। चलिए ठीक है, देखते हैं कॉपी में। हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीआर स्टडी में। आप देख रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी मैथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम इसमें देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलिए। देखो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का हल दिखा दूं तब, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, इसे याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है। ये आपको याद रखने हैं टॉपिक जो भी, मतलब मैं बता रहा हूँ। इसका भी मैं आपको बेसिक बता दूंगा, क्लास को पूरा देखना कि ये आता कैसे है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 1/100 ये मीटर, ये आता कहाँ से है ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले अभी जिसका काम है यहाँ पर उसको याद कर लो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और भैया जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में अगर हम सेंटीमीटर देखें तो 1 लाख होगा। कितना होगा? 1 लाख सेंटीमीटर। ये याद रखना। अभी मैं इसका बेसिक बताऊंगा, ये आता कहाँ से है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन क्लास को एंड तक देखना। चलो पहले क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहा 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए एवं किलोमीटर में। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हल। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, यहाँ पे आप फार्मूला लिखो। चूँकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो? इंग्लिश में शायद इसे बिकॉज बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। देयरफॉर मतलब इसे हिंदी में इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1 बटा 100 मीटर। अब इसी को आपको करना है हल। आपका उत्तर आपके सामने आ गया, इसे काट दो तो ये हो गया 1 बटा 20 कितना मीटर, 1 बटा 20 मीटर। इसे दशमलव में जब हम बदलेंगे, आप जानते हो इसे भाग करेंगे, काटे पीटेंगे तो पॉइंट में जाएगा ये। तो कितना आएगा पता है आपको? पॉइंट में आएगा तो ये 0.05 मीटर आएगा। इसे हल करने का आसान तरीका समझ लो, इसको काटना नहीं है। अगर काट दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 20 से आपको इसको भाग करना पड़ेगा, 0.05 आएगा ये, ठीक है। इसे अगर हम ना काटे होते तब कैसे बनता, इधर देख लो। जैसे देखो हम लिखे थे 5 गुणे 1 बटा 100 ना, तो भैया ये बन जाता 5/100 ना, यही बनता ना, यहाँ जब मैंने काट दिया था। तो क्या करते इसमें ना, देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर वाली गिनती वैसे लिख लेते जो भी है, नीचे 2 जीरो है तो इसमें 2 अंक पर दशमलव लगाते। 1 अंक ये पहले से है, 1 क्या लगा देंगे? 1 जीरो मिला देंगे, मतलब ये 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये 0.05 बन जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी बनता, ये मीटर हो गया। लेकिन अभी तो इसमें से हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन कह रहा था। 5 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल दिया, इसका आंसर 0.05 मीटर आ गया। अब हमें इसको बदलना है किलोमीटर में, तो चलो ठीक है किलोमीटर में अब हम इसको बदलते हैं। देखना, हम जानते हैं चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, अगर इसे किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/1,00,000, 1,00,000 मीन्स 50, ये सेंटीमीटर होगा, वो सॉरी किलोमीटर होगा, याद रखना। मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/10,00,000 किलोमीटर। तो क्या कह रहा था, 5 सेंटीमीटर था ना, तो रख दो 5 × 1/10,000, बस गुणा कर लो फटाफट। तो क्या हो जाएगा, ये 5 बटे नीचे ये 50, हाँ बस हो गया ना। अब क्या करोगे, देखो नीचे 50 है, 0.5 अंक पे लगाओगे, हमारे पास सिर्फ एक अंक है 5, 5 अंक पर 0.5 लगाने हैं, 1 अंक है, 4 अंक इसके आगे बनाओगे। ये बात समझ गए, ये कितना आ गया, ये आ गया भैया किलोमीटर में, यानी 0.0005 किलोमीटर। बात समझ गए ना, इसे स्पष्ट देख लो, इसके आगे 4 0 लगेगा 5 के आगे, तब फिर क्या है 5 है, फिर यहाँ पॉइंट है। तो ये आपका पहला हो गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा, यार ये आता कहाँ से है, ये सब कैसे याद होगा, ये जो 4-5 ही लिख दी अभी इतने में ही बस नहीं होने वाला है, इस तरह का अभी बहुत सारे सूत्र आएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको बता दूँ। देखो उसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन अब जो मैंने आपको सिखा दिया है उस पर आधारित इसको करना। सभी को किस में बदलो, सभी को मीटर में बदलो, मीटर और किलोमीटर में, ठीक है। इसे घर से करना, ये इसके लिए जो मैंने बताया उस पर आधारित आपके लिए होमवर्क है। देख रहे हो ना, 6 क्वेश्चन है, इन सब को आपको बदलना है किस में, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया उसी तरह से मैं एक बार फिर से दिखा दूँगा, ये याद कर लो ठीक है। इसी तरह से आपको करने हैं इन सभी को, जितने भी मैंने दिखाया 6 क्वेश्चन नीचे होमवर्क के लिए, इसे करना। फिर चलो आगे हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखो ये 7 प्रमुख राशियाँ, इनको आपको याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है। अगर मीटर वाला देखोगे, चाहे आप ग्राम वाला देखोगे, किलोग्राम वाला, मतलब एक प्रकार से बोलें तो दूरी, भार, या फिर जो लिक्विड यानी लीटर वाला, ये किसी भी स्थिति में आप इसको लेके चलोगे तो यहीं तक आपका ये आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो सब के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थिति होगी। चलो हम सबसे पहले दूरी के बारे में मानते हैं कि हम दूरी के बारे में समझ रहे हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो 1, 2 इनकी सबकी नंबरिंग करो, 3 और ये क्या है 4 एंड ये 5 और ये 6 और 7, 7 हैं। इन्हीं 7 को याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है, ठीक है। अब लेकिन एक अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये आता कैसे है, इसमें मैं यही बताने वाला हूँ इस लाइन पे कि ये 100 सेंटीमीटर आता कैसे 1 मीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 ये मीटर होता है, लेकिन ये याद कैसे करें हम, सब में अलग अलग होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 1000 होता है, किसी में 10 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बस एंड तक देखना। देखो हमें ज़्यादा काम लगता है मीटर और सेंटीमीटर का, है ना, और ये किलोमीटर का, 3 हम ज़्यादा सुनते हैं। बाकी ये हेक्टो, डेका, डेसी, मिली ये कम सुनाई पड़ता है। मिली जो है बहुत छोटी इकाई है, इसमें बहुत छोटी छोटी इकाई नापी जाती है, इसका काम बहुत कम लगता है आपकी लाइफ में। बाकी ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसका यूज होता है, कपड़ा वगैरह खरीदते हो मीटर में नपता है, अगर कहीं जाते हो दूरी किलोमीटर में नापते हो, है ना, ये तो सुनते हो। लेकिन ये छोटी छोटी जो है बातें आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, ये भैया ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। मीटर से सेंटीमीटर का घर जो है पास में ही है, पड़ोसी हैं, लेकिन बीच में एक लोग और भी हैं, समझो। मतलब मीटर ये हैं, इनके बाद में सेंटीमीटर का घर है, लेकिन बीच में एक लोग और मिलते हैं। तो इनकी नंबरिंग कर लो, कहाँ से, जहाँ से शुरू कर रहे हो यहाँ से तो मत करो, यहाँ से कर लो। चलो 1 और ये 2, मतलब किस नंबर पे हैं मीटर से अगर हम लें तो ये सेंटीमीटर कितने नंबर पे आता है, यहाँ से इसको नहीं गिनना, यहाँ से 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना भैया, यहाँ से तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ क्या गिने, यहाँ 0 है, चलो यहाँ क्या है 0, 0, 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, क्या है ये मीटर है ना, तो यहाँ लिखो 1 मीटर। ठीक, यहाँ भी क्या लिखो 1, ये सेंटीमीटर लिखो। लेकिन ये किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो इसके बाद 2 0 लगाओगे। बस यही याद कर लो, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, अगर हम मिलीमीटर की बात करें भैया, ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 मीटर इक्वल 1, यहाँ पे ये मिलीमीटर लिखो और यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे तो यहाँ 3 0 लगाओ। बस याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको बड़े आराम से खुद ही याद हो जाएगा। समझ गए ना। अगर हम बात करें कि 1 मीटर में आपसे पूछें कि भैया कितना सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर तो आप समझ ही गए। अगर मैं पूछूं डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो ये तो बगलें हैं नंबर 1, सिर्फ 1 ना, तो यानी यहाँ 1 0, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ये तो आप समझ गए भैया, मीटर के ऊपर वाली कहानी जो है वो हो गई क्लियर। लेकिन अब नीचे मामला फंसता है, इसमें कैसे करोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कैसे आता है। चलो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जाना है यहाँ पे क्या, ऊपर से, अभी नीचे से ऊपर, हम हर जगह नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह बता रहे हैं। अभी ऊपर से नीचे भी आएंगे लेकिन वो अलग बताएंगे। अब हमें किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर। चलो यहाँ से काउंटिंग करो 0 1 2, अब ये 3, अब वो 0 नहीं रह गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई चूँकि उसका यूज ख़त्म हो गया। 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा ना, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर इक्वल, क्या करना है मीटर में ना, 0 1 2 3 तीसरे पे आ रहा ना, तो भैया यहाँ 3 0 लगा दो। बस, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर बात करें 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो लिख दो, चलो 1 किलोमीटर बराबर 1 क्या, ये डेकामीटर। 0 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा ना, तो भैया 2 0 लगा दो, यानी 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर। देखो याद नहीं करना आपको, केवल ये याद रहे, गुनगुना लो बस। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये 7 राशियाँ याद कर लो, जहाँ भी काम लगेगा। एग्जाम में, रफ पेपर में भी ऐसे खींच लेना, खींचने के बाद सारी कहानी यहाँ पर निकाल दोगे इसी से। समझ गए ना, इसको रटना नहीं है, रटने पे याद नहीं होगा। अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितना, कोई भी निकाल दो इसमें से। अगर डेसीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, चलो ये भी निकल जाएगा भैया, यहाँ तक 3 हुआ था ना, ये चौथे नंबर पे आ गया डेसीमीटर। भाई यहाँ 3 था, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ क्या हो गया 5वां, और यहाँ ये हो गया 6वां। मतलब मिलीमीटर सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर और सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, जहाँ तक हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं लाइफ में। तो अगर बोलें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब एम एम। आपने देखा होगा अक्सर, जब हम लोग दरवाज़ा वगैरह लेने जाते हैं, कभी देखा होगा लकड़ी वगैरह की नाप एम में करते हैं, कहते हैं कितनी मोटी पलाई भाई लगी है, तो 9 एम एम। जैसा आप जानते हैं, जो आपके वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसमें, जिसमें लोग लिखते हैं, हम लोग लकड़ी का वाइट बोर्ड बनाते हैं, उसमें 9 एम एम की पलाई लगी है। एम का मतलब जानते हो, बहुत छोटा। ठीक है, तो अगर कहें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 6 हो रहा है ना, तो यहाँ 1 के बाद 6 0 लगाओगे। कितना लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगाओगे, 4 हो गया, 5 6, इसे गिनोगे तो 10 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 लाख मिलीमीटर। हर चीज़ का यूज अलग अलग होता है। किलोमीटर का प्रयोग आप बड़ी दूरी नापने के लिए करते हैं, जैसे सड़क की दूरी, या फिर किसी शहर की दूरी, एक शहर से दूसरे शहर। जबकि ये मिलीमीटर की मतलब प्रयोग है, इसको हम बहुत छोटी इकाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे मिलीमीटर में एक प्रकार से, अगर कोई आप नक्शा वगैरह बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज होता है, मतलब छोटी छोटी इकाई, क्योंकि जगह कम होती है। और वैसे हम कपड़ा वगैरह की नाप में भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो आगे चलें, ये पूरी कहानी तो आप समझ गए, लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तब क्या करोगे। देखो अब इसमें कुछ हम आपको बताने वाले नहीं हैं, बस वही याद रखो। जैसे अगर ये है 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, अब आपसे हम पूछें कि 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, तो ये मतलब यहाँ से इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो जो ये 100 था ना, वो 1/100 कर दो। बस 1/100, मतलब नीचे कर दो 100 को, ऊपर 1 कर दो, बस इतना ही अंतर करना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ गए, ऐसे ही करना है आपको। चलो आगे बढ़ें, इस तरह से आप सब कर लोगे। अगर बोलें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे बोलें कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/100 ये मीटर, बस हो गया, समझ गए ना। तो बस यही कहानी थी, इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझना है, समझना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें आपसे कुछ और भी क्वेश्चन करवा लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 जो है वो क्या होता है भैया, सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगर पहला मैं बोलूँ कि 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कर लोगे ना, ऐसे लिखोगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, इसलिए 7 मीटर इक्वल 7 × 100 इक्वल 700 ये सेंटीमीटर, समझ गए ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं। अगर मैं इसी में और भी कुछ बता दूं आपको कि 12 किलोमीटर में कितना मीटर, 12 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाओगे। कैसे, देखो ऐसे, जैसे आप लिखोगे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ लिखोगे क्या, 12 किलोमीटर था ना, 12 किलोमीटर इक्वल 12 × 1000 बराबर ये 12000 मीटर, समझ गए ना, कितना आसान है। अब बुक वाला सारा क्वेश्चन खुद से कर लोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तरीका सीख जाओ, बाकी आपको क्वेश्चन कहीं भी मिले, किसी भी तरह मिले, तो आप इसे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ही मिलेंगे, ज़िंदगी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर वैसे सामान्य लाइफ जी रहे हैं, अपना आप मकान बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, वहाँ भी आपको ये सब जोड़ घटाना गुणा भाग का काम लगता है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी शर्म लगती पूछने में, है ना, और फिर घाटा भी खा जाते हैं इसी के चक्कर में। तो स्टूडेंट, ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस क्लास को YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं या फिर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं, तो आप दिए गए ऊपर दोनों WhatsApp नंबर पे ज्वाइन प्रीमियम लिख करके भेज सकते हैं किसी भी एक नंबर पर, या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मैथ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। सिर्फ 30 से 90 दिन के अंदर आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी प्रीमियम क्लास के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप सामान्य क्लास देखते रहें, तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें और पढ़ते रहें। जय हिंद।